वेलकम टू न्यू वीडियो, स्वागत है आपके कोर्स पॉइंट इस गेमर चैनल पे। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज अब एक जो नया न्यूज़ निकल के आया, जो गाइज जो होते आते गाइज अपना फ्री फायर बैन के बारे में, जो बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं गाइज फ्री फायर बैन हो चुका है, बैन हो चुका है, बैन हो चुका है, तो उसके बारे में नया न्यू अपडेट आने वाले गाइज और आ भी चुका है गाइज। आप लोग को इसी के बारे में बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना, गाइज वीडियो को पूरा देखना, गाइज वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपका जो होता है मतलब आपका जो ये होता है, आप लोग क्या सोच रहे हो इसके बारे में कि फ्री फायर बैन होगा या फिर नहीं होगा, ये किस चीज़ के बदले से हुआ है, या फिर अपना इल्यूमिनेट वार्ड यूज होने से हुआ है, या फिर गरीना फ्री फायर को बैन कर दिया गया इंडिया से, या फिर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कुछ दिन के लिए ग्लिच से हट गया, या फिर प्ले स्टोर आप लोग से कुछ केसेस के बारे में हट गया, आप लोग बिल्कुल मेरे को कंटेंट पे कमेंट पर बता सकते हो इस कंटेंट के नीचे। तो गाइज अभी जो नया न्यूज निकल के आ रहा है ये होता है कि गाइज जो फ्री फायर ये हुआ है, बहुत सारे ग्लिच के वजह से जो होता है अपना फ्री फायर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, अभी थोड़ी देर और भी कुछ ऐप्स गए, हालांकि मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़े बहुत ऐप कुछ तो हट गए गाइज, जो कि अपना प्ले स्टोर से होता है या फिर जो अपना होता है ऐप स्टोर से होता है या फिर गैलेक्सी स्टोर, बहुत सारे जो स्टोर होते हैं जो कि ऐप्स केवल वहाँ पर ऐप्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वही सब चीज़ें से जो कि ऐप्स वगैरह सब होता है, वो थोड़े बहुत ऐप इसके साथ ही हट गया है गाइज। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि गाइज जो तो हटा, अगर हटा तो एक दिन 24 घंटे या फिर 40 घंटे के अंदर आना चाहिए था, लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है? फिलहाल ये जो इल्यूमिनेट वार्ड यूज़ किए थे ये लोगों ने, उसके फिर इन लोगों के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ तो लगा था, हालांकि उसको हटना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका डाउनलोडिंग, उसका जो गेम प्ले सब होना था उसको ऑफ होना था, इसके लिए जो अपना नेटवर्क कनेक्शन एरर था उसी के लिए बस हो रहा था, उसकी वजह से जो कि होता है गाइस उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन जब आ जाते हैं वीडियो के अंदर, एक यूट्यूब के वीडियो के अंदर, तो गाइस अपन लोग उस वीडियो को नहीं देख पाते, वो वीडियो हट जाता है, जब तक उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं हटता है वो वीडियो अपने आप हाइड होकर रहता है यूट्यूब से। वैसे ही ठीक वैसे ही अपन का जो फ्री फायर होता है वैसे कुछ समय के लिए हाइड होकर रखा है गाइज। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो कि अपना अपन लोग तो गाइज बहुत सारा छानबीन कर रहे हैं आप लोगों के वजह से, जो कि होता है गाइज फ्री फायर कब आएगा, कैसे आएगा, कब मतलब कब लॉन्च हो जाएगा अपने जो कि होता है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर के अंदर से, वही सब चीज़ें मैं ढूंढ रहा था। लेकिन फिलहाल मेरे को सिंगापुर का एक मैसेज दिखा कि गाइज सिंगापुर वाले बोले कि गाइज फ्री फायर जो है 2 या फिर 3 दिन के अंदर ऐप स्टोर प्ले स्टोर हर एक स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा गाइज। ठीक है, और बाकी ये बात भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अगर अवेलेबल हो जाएगा तो भाई कटा क्यों था भाई? अगर कट गया था तो भाई उसके बारे में भी कुछ बोलने के लिए कुछ भी मतलब उसके बारे में ठोस प्रूफ भी नहीं मिल रहा है कि गाइज मेरे को अगर कुछ सही अदर प्रूफ मिलता है कि किसके बारे में कट गया था, अभी तक भी वो मतलब सॉल्यूशन सही नहीं हुआ कि गाइज कहाँ पर कटा था, किस लिए कटा था, वो मतलब काट दिया गया था या फिर ग्लिच के वजह से हट गया था या फिर क्या हुआ था, मतलब वो जो ब्रेकिंग न्यूज आया था वो सब मेरे ख्याल से कोई किधर किधर ना किधर फेक होने वाला है गाइज आई थिंक। और वो जो 2-3 दिन के अंदर अगर आ जाए तो गाइज अपने जो कि मतलब फ्री फायर के सब क्रिएटर हैं या फिर जो प्लेयर हैं या फिर गेम प्ले जो छोटे छोटे बच्चे सब करते हैं या फिर बड़े बड़े लोग सब या फिर बड़े बड़े बच्चे जो भी खेलते हैं गाइज, बहुत सारे भाई 600 करोड़ लोग खेलते हैं यार गेम प्ले को, तो उन लोग के सब मतलब राहत आई थिंक बहुत जल्दी आने वाला है और आप लोग टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं गाइज। मेरे ख्याल से तो फ्री फायर बहुत जल्द वापस आ जाएगा, अगर आपको जो भी मन में आ रहा है या फिर आप लोग को कहीं भी अगर न्यूज़ अपडेट मिला था है तो गाइज आप लोग को कमेंट में बताना, मान लो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।